ग्वालियर के मुस्लिम परिवार के पास फारसी में अनुवादित 310 साल पुरानी वाल्मीकि रामायण की प्रति रखी है। मुस्लिम परिवार इसे इतनी श्रद्धा के साथ सहेज कर रखता है कि स्नान किए बगैर रामायण को छूते तक नहीं। ये पुरानी वाल्मीकि कृत रामायण शहर के एक मुस्लिम एडवोकेट ने अपने घर में बड़ी इज्जत से सहेज कर रखी है। शहर के रहने वाले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सिराज कुरैशी हिंदू धर्म और भगवान श्री राम में गहरी आस्था रखते हैं। उनकी जितनी आस्था कुरान शरीफ में है उतनी ही आस्था रामायण में भी है। ग्वालियर में मुस्लिम शख्स एडवोकेट सिराज कुरैशी के पास फारसी में अनुवादित 310 साल पुरानी दुर्लभ वाल्मीकि रामायण है। रामायण को सिराज कुरैशी ने श्रद्धा भाव से सहेज कर रखा है। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है। इसकी मूल प्रति रामपुर की रजा लाइब्रेरी में संरक्षित है, जहां से एडवोकेट सिराज कुरैशी ने इसे उपलब्ध किया है। सिराज कुरैशी रामायण और भगवान राम के जीवन चरित्र से इतने प्रेरित हैं कि वो कहते हैं कि राम जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इससे हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। सिराज कुरैशी खुद को खुशकिस्मत समझते हैं कि ये रामायण उनके पास है। एडवोकेट सिराज बताते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि निर्माण के लिए मंदिर की नींव रखी जा रही थी, तब भी वो अयोध्या कौशल्या धाम की मिट्टी लेकर पहुँचे थे और उन्होंने अयोध्या की मिट्टी को नमन किया था। आज उन्हें बड़ी खुशी है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। देखिए, ये जो रामायण जी हैं, निश्चित रूप से वाल्मीकि रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो एक अपने आप में ही दुर्लभ कृति हैं और अपने आप में महान है, अपने आप में पवित्र हैं। और इसको मैंने जो प्राप्त किया था वो रामपुर की रजा लाइब्रेरी से प्राप्त किया था, क्योंकि इसकी ओरिजिनल प्रति वहीं रखी हुई है। और ये विश्व की एकमात्र संभवतः रामायण है जो फारसी भाषा में लिखी गई है, तो इसका जो महत्व है और बढ़ जाता है। और अब तो चूंकि भगवान राम जी का मंदिर स्थापित हो रहा है, तो निश्चित रूप से इसका महत्व प्रासंगिक है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इसको लेते हुए। पूरा देश इस वक्त 22 तारीख का इंतज़ार कर रहा है। आप इतनी एंटिक जो रामायण है आपके पास है, तो कितना महत्व समझते हैं इसका आप अपने जीवन में? वास्तव में मेरे जीवन में तो मंदिर से पहले भी इसका महत्व था, आज भी और हमेशा रहेगा ही, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान श्री राम, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं, उन्हें हमें सिखाया, पूरी देश को, पूरी दुनिया को सिखाया कि भाई बेटा कैसा हो, आपका पति कैसे हो, राजा कैसे हो, मित्र कैसे हो, भाई कैसे हो, ये सारा चरित्र उनने अपने जी के बताया, पूरा साक्षात जी के बताया। तो हमें उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, पूरे विश्व को बल्कि प्रेरणा लेनी चाहिए। और जहाँ तक इस रामायण के मेरे पास होने का सवाल है, तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे पास ये रामायण की कृति ईश्वर की कृपा से ही है। राम मंदिर से भी आप जुड़े रहे, किस तरह का आपका जुड़ाव रहा मंदिर से? देखिए, अयोध्या जी जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं उस वक्त भी अयोध्या जी गया था जब उसका शिलान्यास की रखी जा रही थी। हम लोग पहुँचे थे और हमारा वहाँ पे बहुत स्वागत किया गया था। हम वहाँ पे कौशल्या धाम की जो है माटी लेके भी गए थे, जो भगवान श्री राम का ननिहाल माना जाता है, और वहाँ उन्होंने बड़े खुश होके बड़ी मोहब्बत से साथ हमारा स्वागत किया था, उस मिट्टी को ग्रहण किया था। मैं उनका भी साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने अच्छे मौके पर मुझे वहाँ पहुँचने का मौका मिला था और आगे भी जाता रहूँगा आपके आशीर्वाद से। जिस तरह से देश का माहौल है, कुरान और रामायण दोनों को आपने सहेज के रखा है, तो किस तरह का एक संदेश रहेगा इस मौके पर? देखिए, मैं खुद मुसलमान हूँ, हाजी भी हूँ, तो कुरान शरीफ को मैं अध्ययन करता हूँ, उसको मानता हूँ, आत्मसात करता हूँ। और कुरान शरीफ यही सिखाता है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, हर किताब का सम्मान होना चाहिए, धार्मिक किताब का, धार्मिक ग्रंथों का। तो उसी की प्रेरणा से मैं हर धर्म ग्रंथ का सम्मान करता हूँ, तो मेरे लिए निश्चित रूप से रामायण भी उसी सम्मान की हकदार है। जिस तरह से हम कुरान को देखते हैं, इसी तरह हम रामायण की भी पूरी इज्जत करते हैं और सभी धर्म ग्रंथों का हम इज्जत करते हैं और पूरी मानवता की ही हम इज्जत करते हैं। सच्चाई तो यही है, क्योंकि लकुम दीनुकुम वलिया दीन वाली बात है। और दूसरी बात यह है कि ईश्वर हमारा सबका एक ही है, वो किसी उसका एक आदमी का या एक व्यक्ति का, एक धर्म का नहीं है, सबका मालिक एक ही है, मेरा विश्वास। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आप पर है, तो तकरीबन कितना पुराना है, कहाँ से सहेजी थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल रहे आपके पिता से लेकर दादा? जी जी, हाँ, मेरे दादाजी थे हाजी जहूर मोहम्मद कुरैशी, वो खुद भी एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, देश के लिए उन्होंने अपना वर्चस्व नछावर किया, खूब लड़े वो अंग्रेज़ों से, और वही गुण मेरे पिताजी में आए। और मेरे पिताजी भी राष्ट्रवादी रहे, राष्ट्रवादी के साथ साथ वो सभी धर्मों का सम्मान करने वाले रहे। और ये रामायण जी जो थी, हम जब लाए तो उन्हें बड़ी खुशी हुई, उससे पहले भी वो रामायण पढ़ते थे और वाल्मीकि रामायण भी पढ़ते थे और रामचरितमानस भी पढ़ते थे। और मेरे पिताजी हाजी एमएम कुरैशी साहब जो थे, वो रामायण के बहुत रसिक थे
और बहुत ही प्रेरणा लेते थे, और हम बच्चों को भी उन्हें वही शिक्षा दी कि सभी धर्मों का सम्मान हो, और उनकी प्रेरणा से और उनके मोहब्बत से ही ये आज मेरे पास है। सुप्रीम कोर्ट वकील हाजी सिराज कुरैशी ने बताया कि फारसी रामायण की ये प्रति कई सालों से उनके घर पर पूरी श्रद्धा के साथ रखी हुई है। उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी हाजी जहूर मोहम्मद कुरैशी और उनके पिता हाजी एम कुरैशी भी रामायण के जानकार थे, और उन्हीं की प्रेरणा से आज भी ये रामायण उनके पास मौजूद है। यही वजह है कि 1713 में लिखी गई ये फारसी रामायण गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है।